हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द थर्ड वर्क फ्लो ऑफ ऑलट्रिक्स। तो आज हम एग्जाम्पल करने वाले हैं टी कॉफ़ी का और कुछ क्वेश्चंस उस पर बेस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इनपुट डेटा ले लेंगे और आपको फाइल फिर से वहीं लिंक पे मिल जाएगी, तो आप वहीं से उसको डाउनलोड करके काम कर सकते हैं इसमें। तो ये कॉफ़ी डेटा की CSV फाइल है जो मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी है इनपुट डेटा से। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इस डेटा को, थोड़ा सा समझते हैं। इसमें हमारे पास डेट, मार्केट साइज, मार्केट, प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट टाइप, प्रॉफिट सेल्स डेट, टारगेट सेल्स एंड टाइप। ठीक है, अच्छा डेटा है। और यहाँ पे हमें ये टाइप पता चल रहा है कि टी है कि कॉफ़ी है, उसका टाइप क्या है, डीकैफ है, रेगुलर है, सेल्स कितनी है, कौन सी स्टेट में कौन सी टी और कॉफ़ी बिकी, किस टाइप की बिकी, है ना, क्या प्रोडक्ट टाइप था उसका, और कितना मार्केट, कितना सेल्स हुआ। और इसमें 942 जो है रिकॉर्ड्स है या रोज है, ठीक है, 10 फील्ड्स है। तो अब सबसे पहले तो क्वेश्चन देखते हैं क्या एनालिसिस का है, जो है कि विच स्टेट इज द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ डीकैफ टी। हमें निकालना है कि कौन सी स्टेट सबसे ज्यादा कंज्यूम करती है डीकैफ टी को। ठीक है, ये सारी स्टेट्स 942 स्टेट्स में से हमें निकालना है, जिसमें कि कुछ स्टेट्स जो होंगी वो रिपीटेड भी होंगी। जैसे आप देख सकते हैं कोलोराडो रिपीटेड है, न्यू हैम्पशायर रिपीटेड है, इसी तरीके से। अब हमें ये निकालना है कि कौन सी स्टेट बड़ी सबसे ज्यादा कंज्यूम करती है डीकैफ टी को। ठीक है, तो अब समझ में आ रहा है इसमें मोटा मोटा कि क्या क्या लगेगा। टी चाहिए, डीकैफ चाहिए, रेगुलर नहीं चाहिए, तो फिल्टर लगाएंगे, है ना। तो ये चीज़ क्लिक होनी चाहिए कि आपको कौन सा टूल यूज करना है। तो सबसे पहले डेटा इनपुट कर दिया, अब क्या चाहिए, कंज्यूमर ऑफ डीकैफ टी। ये डीकैफ टी बता रहा है कि आप सिंपली फिल्टर उठा लो और फिल्टर लगा लो सबसे पहले। तो जैसे मैंने लगाया, किस में लगा दिया, टाइप में लगा सकते हैं। और अच्छा, उससे पहले चलिए पहले मैं लगा लेती हूँ, टाइप में लगाते हैं। और टी कहाँ पर है, टी कॉफी, ये प्रोडक्ट लाइन है ना। तो प्रोडक्ट लाइन इक्वल्स क्या चाहिए हमको, टी चाहिए, है ना। अब अगर मैं एक लगाऊंगी तो क्या होगा, लेट्स सी। रन, ठीक है, तो सिर्फ ये टी आ गया, लेकिन हमको एक फिल्टर और चाहिए था जिसमें आता है डीकैफ, क्योंकि यहाँ रेगुलर भी आ रहा है। ठीक है, तो इसमें या तो मैं इसी में लगा लूँ या एक और फिल्टर और लगाऊँ। एक और फिल्टर लगाऊंगी तो हमारा जो है वर्क फ्लो हैवी हो जाता है थोड़ा सा। ज्यादा से ज्यादा टूल्स नहीं है, हमें कम से कम टूल्स यूज करने होते हैं। ठीक है, तो एक क्या करेंगे, कस्टम फिल्टर बना लेंगे, बस आपको इस पर क्लिक करना है, ये वाला यहीं पर कॉपी हो जाता है। और सिंपल एंड करके क्या लिख देंगे यहाँ पर, क्या चाहिए हमें, टाइप, क्या चाहिए, टाइप इक्वल्स सिंपल डीकैफ, है ना, डबल कोट आएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका डीकैफ। ठीक है, और जब ये आपका टील कलर में बदल जाए ना, तो मतलब ये सही फॉर्मूला है। अब आप इसे रन कर दो और यहाँ पर आपके पास सिर्फ वही चीजें आ जाएंगी जो कि टी है और डीकैफ टी है। ठीक है, अब नेक्स्ट एनालिसिस आती है कि हमारे हमारे को निकालना है कि विच स्टेट इज बिगेस्ट कंज्यूमर। अब स्टेट का आ गया और ये आ गया कि कौन सा लार्जेस्ट कंज्यूमर है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, समेशन पे जाएंगे सबसे पहले। तो ट्रांसफॉर्म टूल में गए, समेशन निकाला। और अच्छा, अब इतनी सारी रोज आ रही हैं जिनका हमें कोई मतलब ही नहीं है, है ना। तो मैं क्या कर सकती हूँ, प्रिपरेशन टूल में जाके सिलेक्ट ले सकती हूँ, और यहाँ पर इससे ज्वाइन कर दिया मैंने सिंपल ड्रॉप करके। और इसको यहाँ पर आप डेट हटा दो, मार्केट साइज हटा दो, जो अनचेक कर देंगे वो कॉलम्स नहीं आएंगी, है ना, सेल्स, प्रॉफिट, ठीक है, और टारगेट सेल्स। सपोज मैंने हटा के इसको रन किया, एंड देन आप देखोगे कि ये एंकर्स पे जाके रन करना पड़ेगा, तभी जाके रन होगा, इनपुट एंकर, आउटपुट एंकर। और हमारी क्या है, टेबल बहुत छोटी हो जाएगी, फील्ड्स और कॉलम्स जो है वो उतने ही आएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो प्रॉफिट की भी जरूरत नहीं थी, बट ठीक है कोई बात नहीं, आ गया तो हम हटा भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज आती है, हाँ चलिए, अब ये समेशन वाला हम कर रहे थे, तो स्टेट से हम करेंगे आपका ग्रुप बाय एंड
कितना है बिगेस्ट कंज्यूमर, तो टाइप देखो डीकैफ, ये टाइप से ही हो जाएगा, हमें सेल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। टाइप का अगर हम काउंट ले लेंगे ना तो पता चल जाएगा कि वो कितना कंज्यूम कर रही है टी को, डीकैफ टी को। इसको रन करें अगर हम, तो ये कुछ ऐसा आया कि ये जो स्टेट्स आई हैं कुछ 20 रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हुए हैं और उनका काउंट आ गया है। ठीक है, अब एक चीज और चाहिए हमको कि बिगेस्ट कंज्यूमर बोल रहा है ना, तो बिगेस्ट कंज्यूमर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब आप देखो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा जिसका काउंट आएगा हमें से वही चाहिए, तो इसके लिए लेट्स डू वन मोर थिंग, एक समेशन टू और लेकर आते हैं है ना, और यहाँ पर जो 18 है हमें से वही चाहिए, तो काउंट ऑफ जो मैक्स होगा वही लेंगे है ना। तो ये देखो आप यहाँ पर जब हम रन करेंगे तो यहाँ पर इसका आउटपुट आया 18। अब हमें से वही स्टेट्स चाहिए जिनका मैक्सिमम काउंट या जिनका मैक्सिमम ऑर्डर 18 था, और वो इधर है स्टेट्स। ठीक है, यहाँ से भी डेटा चाहिए और यहाँ का डेटा भी चाहिए, तो इनको हमें क्या करना है, जॉइन करना पड़ेगा। तो हम इधर जाएंगे अपने इस वर्जन पर और यहाँ पर हम जॉइन टू लेके आएंगे। आप राइट एंकर से इसको जोड़ दीजिए और लेफ्ट एंकर से इसको। ठीक है, इसको जोड़ने के बाद क्या होगा, ये पूछेगा किस पे जॉइन करें, तो लेफ्ट पे आप काउंट कर दो, राइट पर भी आप मैक्स काउंट कर दो। ठीक है, और एक लेट्स इसके कॉलम हमने हटा दी ये वाली, क्योंकि ये रिडंडेंट सेम ही थी। और इसको अब हम क्या करेंगे, रन। ठीक है, तो ये वो स्टेट्स आ गई जिन्होंने सबसे ज़्यादा कंज्यूम करी है डीकैफ्टी, बिगेस्ट कंज्यूमर। ठीक है, हमारे पास इनिशियली कितने रिकॉर्ड्स आ रहे थे, 22 आ रहे थे, 20 रिकॉर्ड्स आ रहे थे, तो ये देखो बहुत सारी आ रही थी ना, तो इसने सिर्फ उसे शॉर्ट करके सिर्फ 6 दे दी जिनका मैक्सिमम काउंट 18 था, तो उटा, नेवाडा, कोलोराडो, कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, इलिनॉइस। तो ये जो 8 6 6 स्टेट्स हैं वो बिगेस्ट कंज्यूमर है डीकैफ्टी के। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे, जो कि है ये मैं अपना इसको कैसे भी वर्क फ्लो को ना इधर ऐसे कर सकती हूँ ताकि हमें वो दिखता रहे जो हमें नेक्स्ट वर्क फ्लो बनाना है। तो अब नेक्स्ट वर्क फ्लो बनाने के लिए क्या चाहिए हमको, विच स्टेट इज़ द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ रेगुलर टी। अब रेगुलर टी बनानी है ना, नेक्स्ट वर्क फ्लो आता है आपका रेगुलर टी का। तब आते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन पे जो है, विच स्टेट इज दी बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ रेगुलर टी, कौन सी स्टेट सबसे ज़्यादा रेगुलर टी इस्तेमाल करती है। ठीक है, तो वही डेटा है हमारे पास, सिलेक्शन में भी वही करा है हमने। ठीक है, बस प्रॉफिट हटा दिया यहाँ पे और इसे रन करा हमने, तो ये कुछ 4 फील्ड्स आ गई है, 942 फो टोटल रिकॉर्ड्स है। अब हमें फिर से फिल्टर लगाना पड़ेगा क्योंकि ये कह रहा है कि हमें रेगुलर टी चाहिए। ठीक है, तो पहले तो रेगुलर टी को देखें, अब यहाँ पर क्या कस्टम फिल्टर में लगाएंगे, प्रोडक्ट लाइन इज इक्वल्स टी और कस्टम फिल्टर, तो क्योंकि हमें दो दो कंडीशंस स्पेसिफाई करनी है इस वजह से, तो अगर आप यहाँ लिख देते हैं तो अपने आप पेस्ट हो जाता है फॉर्मूला यहाँ पे, और फिर बाकी आप इसको देखकर लिख सकते हैं, तो मैं यही करती हूँ, इक्वल्स टू, और ये हमेशा डबल कोट्स में आएगा, रेगुलर मतलब जो भी आप स्ट्रिंग पास करते हैं कंडीशन में। ठीक है, अब इसे पास करते हैं, रन करते हैं, तो ये क्या आएगा आपका रेगुलर, वो आपके डेटा आ गए जो कि टी है और रेगुलर है। अब इसमें फर्दर एनालिसिस करते हैं कि कौन सी स्टेट सबसे ज़्यादा कंज्यूम करती है। ठीक है, तो वही चीज़ होगी इसमें भी, जॉइन वॉइन करेंगे फिर से, तो पहले तो ट्रांसफॉर्म रिबन में जाके समराइज़ कर लेते हैं, और समराइज़ क्या में करेंगे हम अगेन स्टेट ग्रुप बाय कर देंगे स्टेट से, और आपका टाइप ले लेंगे, टाइप का काउंट ले लेंगे है ना, तो ये पता चल जाएगा हमको कि कितना रेगुलर टी का कंजम्पशन है या ऑर्डर्स दिए हुए इसके है ना। तो ये देखो आप, ये आ गए सारे स्टेट्स के, कितने आ गए ये इसको, हाँ तो ये टोटल 16 रिकॉर्ड्स आए हैं कुछ है ना, जिसमें मिक्स हैं सारे, हमें चाहिए मैक्सिमम बिगेस्ट, तो फिर से हम समेशन लगाएंगे इसी में और यहाँ पर लगा देंगे काउंट का मैक्सिमम, मैक्सिमम चाहिए जिनका ऑर्डर प्लेस हुआ है, मैक्सिमम ऑर्डर्स 18 है, और जॉइन वाले से फिर से हम जॉइन कर देंगे लेफ्ट एंड राइट टू एंकर पे इसके,
और यहाँ पर ऑन काउंट कर देंगे, मैक्स काउंट कर देंगे, एक अनसेलेक्ट कर देंगे यहाँ नीचे से कॉन्फ़िगरेशन विंडो में और ज्वाइन कर देंगे। लेट्स रन दिस, और रन करने के बाद आपको ये यहाँ पे 8 रिकॉर्ड्स आए कुछ, जो कि थोड़ी बहुत स्टेट्स डिफरेंट है, जैसे ओरेगन, उटा, नेवाडा, कोलोराडो, मिसूरी, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन। तो ये जो है वो रेगुलर टी पीते हैं, और बाकी की जो स्टेट्स हैं ऊपर वाली वो डिकैफ टी पीती है। ठीक है, तो ये पता चल गया हमको बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ डिकैफ टी और बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ रेगुलर टी। इसी तरीके से आप बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ डिकैफ कॉफ़ी कर सकते हैं, यहाँ पर डिकैफ रेगुलर कॉफ़ी कर सकते हैं, बस यहाँ पे फिल्टर चेंज करना पड़ेगा, टी की जगह यहाँ पे कॉफ़ी करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका रिजल्ट चेंज हो जाएगा, तो आप प्रैक्टिस के लिए वो कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं। अच्छा, ये नीचे आने में थोड़ा ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ टी इज मोस्ट पॉपुलर? ओके ठीक है, तो अब ये जो वर्क फ्लो है, लेट मी इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले आती हूँ, क्योंकि हो तो यही रूज यूज़ रहा है। अब है विच टाइप ऑफ टी इज़ मोस्ट पॉपुलर, कौन सी टी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, ये कैसे पता लगेगा? तो सबसे पहले तो डेटा हमारे पास यही है ना, टी। अब इसमें एक कौन सी टी सबसे ज़्यादा पॉपुलर, मतलब कि इसका प्रोडक्ट टाइप कौन सा पॉपुलर है, लेमन, मिंट, दार्जिलिंग, एक्सप्रेसो, लाते, मोका, कौन सी, है ना? तो अब देखें इसमें ज़रा, हम टी कॉफ़ी फिल्टर लगाना पड़ेगा, विच टाइप ऑफ टी इज़ मोस्ट पॉपुलर, है ना? तो फिर से फिल्टर लगा लेंगे, और इस फिल्टर में प्रोडक्ट लाइन ले लेंगे, क्योंकि टी ही चाहिए, टी ले ली, है ना, रन कर दिया, तो हमारे पास एक टी आ गई। अब ये टी के टाइप्स हैं, जैसे लेमन, मिंट, दार्जिलिंग, कैमोमाइल, जो भी है, अर्ली ग्रे, ग्रीन टी। अब इनमें हमें निकालना है सबसे पॉपुलर कौन सी है ना? तो वो निकालने के लिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, अब हम फिर से समेशन टूल में जाते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं इसको, समेशन टूल ले लेते हैं, इसको एफ से नहीं, इसको हमको टी एंकर से जोड़ना है, ऐसा कभी हो जाए तो आप डिलीट कर दिया, इसको ना क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं और ट्रू एंकर से डाल सकते हैं, है ना? अब यहाँ अगर आए तो हम दे देते हैं प्रोडक्ट टाइप, ग्रुप बाय, इसके थ्रू आ जाएगा, और जो आपका इसी प्रोडक्ट टाइप का हम ले लेंगे काउंट। तो ये देखते हैं क्या आता है आंसर आगे। तो ये क्या करा हमने, सिर्फ प्रोडक्ट टाइप लिया टी का, और ये इसका काउंट आ गया कि ये इनका कितना काउंट है। ठीक है, 96, ग्रीन टी 72, लेमन 120, तो इतने इतने इनके ऑर्डर्स हुए हैं इन पर्टिकुलर टाइप के, ये पर्टिकुलर जो चाय के वैरायटी हैं उनके। अब हमें निकालना है सबसे पॉपुलर इसमें से, तो वो निकालने के लिए हम एक चीज़ कर सकते हैं, इसमें सॉर्ट कर सकते हैं इस डेटा को, है ना? तो ये सॉर्ट टू लगा दिया, और यहाँ पर हमने काउंट के थ्रू डिसेंडिंग ऑर्डर में इसे सॉर्ट कर दिया। तो डिसेंडिंग में क्या होगा, सबसे बड़ी वैल्यू पहले आ जाएगी और बाकी की वैल्यू नीचे आ जाएगी, है ना, छोटी। अब इसके बाद क्योंकि हमें सिर्फ लेमन ही चाहिए, है ना, आगे नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे इसके लिए, सैम्पल टूल है एक, इसमें सैम्पल टूल लगाया और यहाँ पे सिलेक्ट किया फर्स्ट वन, ठीक है, और इसे रन कर दिया, तो ये सिर्फ आपको एक ही वैल्यू देगा, लेमन। तो ये जो है लेमन, दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ टी। अब एक चीज़ इसमें और समझ लेते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पर डिस असेंडिंग लगाती तो यहाँ पे मुझे लास्ट एन लेना होता, ठीक है, क्योंकि असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, तो बड़ा सबसे नीचे आता है ना। अब ये मुझे जैसे आउटपुट चाहिए, तो अब इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं, जैसे सपोज़ आपका ये वर्क फ्लो बन गया और आपको कोई बोले कि इसका जो भी आपके रिज़ल्ट है इसको आप आउटपुट फाइल में दे दो और फिर उसका डैशबोर्ड बनाना है पावर बीआई में या टैबली में। तो आपने ये जैसे आपके पास फाइल है जिसमें बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ डीकैफ टी है, ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, आउटपुट करना है। तो आप आउटपुट टूल लेकर आइए यहाँ से, इन आउट टूल से,
अब ये पूछेगा कि आप कहाँ पे करोगे, तो इसके कॉन्फ़िगरेशन में जाकर, ये एक्सेल दिख रहा है आपको, आप एक्सेल में कर सकते हो, जेजन में कर सकते हो, एचटीएमएल किसी में भी कर सकते हैं। तो मैं एक्सेल में कर रही हूँ अभी हाल फिलहाल के लिए, और इसको हम करते हैं सेव। ये मेरे डेटाबेस, आप ये देख सकते हो कि कौन से डॉक्यूमेंट में जाकर हो रहा है ये सेव, डेस्कटॉप ऑल्ट्रिक्स में, और यहाँ पर मैं कर रही हूँ उसको मोस्ट डीकैफ टी, राइट, या डीकैफ टी। इसको आप ओके कर दीजिए, शीट वन बोल रहा है, रन करेंगे तो ये आपका जो है वहाँ जाके सेव हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं इसको, तो यहाँ पे मेरे सॉफ्टवेयर में ऑल्ट्रिक्स में और क्लास फाइल्स में ऑफिस डेटा में आप देखो मोस्ट डीकैफ टी, ये मैंने क्लिक करा तो ये अपना रिजल्ट जो है यहाँ पर शो हो गया, ठीक है, जो हमारी 8 स्टेट्स थी। सो कैन सी दिस, ये आ गई है ना। और इस तरीके से हम आउटपुट भी कर सकते हैं, और सारा हमारे 6 न्यूमेरिक 6 रिकॉर्ड जा गए सेव हो गए, ठीक है, और फिर आप डैशबोर्डिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो था आपका सेकंड वर्क फ्लो जो हमने देखा अभी। थर्ड, रिपीट, तो ये था हमारा थर्ड वर्क फ्लो। इसके साथ ये भी ख़त्म होता है, और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछिए, और इंडिविजुअल सेशंस या ट्रेनिंग देनी है तो उसके लिए भी यू कैन कॉन्टैक्ट @MachineMantra, और मेरे मेल पर भी आप डाल सकते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।